अनलॉक तीन के लिए दिशा निर्देश जारी, हटा रात्रि कर्फ्यू। अनलॉक तीन के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं किन किन चीजों पर से पाबंदी हटा दी गई है और किन चीजों पर पाबंदी बरकरार है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक तीन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इस दौरान रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। व्यक्ति और सामान के राज्य के अंतर या फिर राज्य के बाहर आने जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। कहीं आने जाने के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। आपको ये भी बता दें कि अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच उचित सामाजिक दूरी के नियम बनाकर रखना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष के अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर एट होम समारोह को सामाजिक दूरी के नियमों के साथ अनुमति होगी। मंत्रालय के अनुसार विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम थोड़ी देर में फिर हाजिर होंगे सहारनपुर की गाइडलाइन के साथ। तब तक हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि जरूरी खबर हर किसी तक पहुंचे।